रोहित, सुबह हो गई है, बाथरूम में कोई सोता है क्या? क्या बचपना, सुन रहे हो या नहीं? अकड़ू की गर्दन अकड़ गई, सो सैड। सिर्फ गर्दन स्टिफ हुई है, बाकी नींद कमाल किया है। अच्छा, नो डिस्टर्बेंस, नो लड़ाई पर रजाई, बड़े आराम से बाथटब में सोया। लाओ, लेट मी सी। डोंट टच मी। ये क्या बचपन है। विम्मी, जल्दी से आइस पैक और बेलन लेके आओ। नो बेलन? ना इतना तुम अपने पति को मार नहीं सकती। हाँ, यू आर अ फाइटर कॉप, फाइटर हैन। स्टॉप इट रोहित, इतना चीजें डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। नीद्रा जी का फोन आया था, मुझे शूट पे जल्दी जाना है और उससे पहले एक जर्नलिस्ट घर आ रही है, मुझे इंटरव्यू भी निपटाना है। लेट मी सी। देखो रोहित, पहले तुम वेट। हेलो। हाँ मॉम, मैं आता हूँ। मॉम ने नीचे बुलाया, तुम तैयार हो जाओ, नीचे मिलता हूँ। हाय तपस्या। हे सोना, कैसी हो? हाउ आर यू? आई एम गुड। कम कम सिट। माय गुडनेस, लुक एट यू, कितनी खूबसूरत लग रही हो। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, तुम आई क्यों नहीं शादी पे? पता है पूरा सर्कल था वहां पे। क्या करती यार, डेंगू हो गया था, लेकिन रिपोर्ट पूरी लिखी है मैंने। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, पहली खबर तपस्या के पेन से ही छपती है। That I know. इसलिए जैसे ही ठीक हुई ना, वैसे ही मिसेस सोनाक्षी सिप्पी के पास आ गई इंटरव्यू लेने। सोनाक्षी रस्तोगी सिप्पी। ओह यस, करेक्ट। सो स्टार्ट करें? हाँ हाँ, प्लीज जल्दी। गुड मॉर्निंग मैम, रोहन सर आपका ही वेट कर रहे हैं। थैंक यू। यू नो, मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ। इनफैक्ट पूजा, पूजा तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है। उसके होते मुझे परी, तू इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही है? हाय दी, हाय तपस्या, हाउ आर यू? हे, आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड। मैं एक्चुअली यहाँ पे रोहन से मिलने आई थी, उसे मेरे साथ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी डिस्कस करनी है। जॉब? दी, आप पहले इंटरव्यू फिनिश कर लो, फिर हम आराम से बाद में बात करेंगे, ओके? बाय तपस्या। बाय द वे, आपकी मॉम अब कैसी है? ऑल वेल, थैंक यू। ओके, बाय। रोहन, मेरी मीटिंग है पुणे में, मुझे अभी निकलना पड़ेगा और मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, मैं चाहकर भी पोस्टपोन नहीं कर पाए। Come on baby, पोस्टपोन करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं रिकवर कर रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। और तुम जानती हो, घर में सब लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग परी, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? वो रोहन भाई ने बुलाया था। ओ, ताने तुम्हें याद है शादी की प्रिपरेशंस कितनी अच्छी थी? ऑल द डेकोरेशंस एंड एवरीथिंग, यू नो, वो सब कुछ परी ने किया था। परी ने इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किया। सो यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, कि मेरे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके जो सैंपल फ्लैट्स हैं, अगर वो सब परी डिजाइन करे तो? दैट्स वेरी नाइस, है ना? और जैसे ही मैंने आइडिया परी को सुनाया, उसने एक सेकंड में एक्सेप्ट कर लिया। और वैसे भी परी को जब तक कोई अच्छा मॉडलिंग असाइनमेंट नहीं मिल जाता, तब तक परी कैन हेल्प मी इन माय न्यू प्रोजेक्ट। क्या कहती हो ताने? अच्छा किया। ओके गाइस, मुझे लेट हो रहा है। रोहन, तुम अपना ध्यान रखना और घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। ठीक है बेबी, बाय बेबी। I'll miss you. I'll miss you too. Bye, Pari. Bye. अच्छा ताने, आप कम सुन। Bye. अब इतनी दूर क्यों खड़ी? रोहन, मेरा ब्रेसलेट। One second. Hello. Yes, mom. ओके फाइन, आई एम कमिंग। जी परी, मॉम ने नीचे बुलाया, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। रोहन पर सुनो, परी, जस्ट टू मिनट्स, ओके? ये तो मेरा ब्रेसलेट है, जीने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे मार ही डालेंगी।
परी? I don't believe you. तुम तानिया भाभी की ज्वेलरी चुरा रही हो? Seriously? पूजा, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, ये मेरा है. जॉली, तुम्हारा है, तुम्हारा है तो यहाँ भाभी के रूम में क्या कर रहा है? Can you please explain me? How cheap, परी. I don't believe you. तुम अपनी बहन के ससुराल से उनकी भाभी की ज्वेलरी चुरा रही हो. Are you serious? कभी सोचा सोना भाभी को इसका पता चला तो कितनी embarrassment होगी उन्हें? पूजा, तुम लाइन क्रॉस कर रही हो. मुझे चोर कहना बंद करो. आई नो कि ये दी का ससुराल है. मैं कह रही हूँ कि तो यहाँ कैसे आया चलकर? Listen, I don't think कि मुझे तुम्हें कोई explanation देने की जरूरत है, okay? Oh, really, sweetheart? Well, अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि ये घर मेरा है, ये कमरा मेरी भाभी का है, ये ज्वेलरी मेरी भाभी की, और तुम मेरी भाभी की ज्वेलरी चुरा रही हो. So you owe me an explanation. मैंने कहा ना, मुझे चोर कहना बंद करो. Wow. फिर वॉट, वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सोना भाभी तुम्हारी फैमिली में क्या कर रही है. तुम्हारी मॉम इतनी ग्रीडी है और तुम्हारे डैड का कुछ ज्यादा पता नहीं है और तुम चोरी करती हो. Disgusting, परी. पूजा, डोंट यू डेयर, परी. अपना ये हाथ अपने पास रखो. यू नो वॉट, मैं सोना भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती. सो यू बेटर बी केयरफुल एंड नाउ आउट ऑफ दिस रूम. पूजा, आई सेड आउट. जी का मैटर बहुत ही सेंसिटिव है तो अंदर जो भी हुआ उस बात को लेके गलत मत समझना, स्पेशली पापा की बात. तो उनकी छोड़ो, अपनी बताओ रोहे, तुम्हें क्या हो जाता है? जब भी पूजा के अडॉप्शन की बात होती है तुम इतने हाइपर हो जाते हो, इतना ज्यादा गुस्सा, ना कुछ सुनना चाहते हो ना कुछ समझना चाहते हो. क्यों रोहित? ऐसा लगता है कि वो तुम हो जो सबसे ज्यादा इस बात को छुपाना चाहते हो. प्लीज ऐसा मत कहना कि कुछ नहीं है, बिकॉज आई नो कुछ है जो तुम छुपा रहे हो, मुझे बता नहीं रहे हो. तुम्हारा दिमाग ना ओवर टाइम कर रहा है. तुम्हारी वो फ्रेंड आई है ना, हाँ, जर्नलिस्ट, जाओ उसके साथ बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम्हारे साथ अच्छा लगूंगा. ओके रोहित, बात टाली है तुमने पूरी नहीं की, याद रखना. कम ऑन, कम ऑन. और उसे खुद पता भी नहीं है. तुम्हारी मॉम इतनी ग्रेडी है, तुम्हारे डैड का कुछ ज्यादा पता नहीं और तुम मेरी परवरिश को लेकर इंसल्ट करी थी बिकॉज मेरे डैड मिसिंग है. खुद उसे अपने पेरेंट्स के बारे में पता ही नहीं है. बहुत इंसल्ट कर ली मेरी पूजा, तुम तो सिप्पी फैमिली का हिस्सा हो भी नहीं. अब देखना मैं क्या करती हूँ.